वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आपको अपने शो में कहती हूँ। और इस वक्त जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, एक तो ये कि वो मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है, एक कपल है। इट्स द मोस्ट अमेजिंग सुपर्ब एंड ब्यूटीफुल कपल। आई मीन आई हैव ऑलवेज लुक अप टू देम बिकॉज इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री है इनकी, इतनी माशाल्लाह आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे पहले तो मैं दुआ देती हूँ इनको कि अल्लाह मियाँ ये हमेशा इसी तरह से रहें, खुश खुर्रम रहें हमेशा, एंड दे स्टे हैप्पी फॉरएवर। हमारे साथ हैं जी आयशा शिराज एंड शिराज उपल। मैंने जान के आयशा का नाम पहले लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है सहेली? वी आर ऑल गुड। गुड। अच्छा, मैंने समझा सहेली मुझे कह रही है। अच्छा, इसको कह रही थी जी जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे हो आप लोग? सब खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मेरे देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी, आपने सोचा होगा कि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि आज हम लोगों ने कैंसर के हवाले से बात करनी है और एक हमने सेलिब्रिटी कपल बुला लिए यहाँ पे। तो मैं आपके सामने ये बात शेयर करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं है और मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट शिराज फॉर दिस कि आयशा जो हैं उन्होंने दो दफ़ा कैंसर जैसी बीमारी को गो थ्रू किया है, उसके साथ फाइट की है, उसके साथ जंग की है, और उनके हस्बैंड इन दोनों दफ़ा उनके साथ साथ रहे, ना सिर्फ उस टाइम में बल्कि अब तक। और इस हवाले से हम बात करेंगे और इनको बुलाने का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि किस तरह से, किस हिम्मत के साथ, किस स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने गो थ्रू किया और आज माशाल्लाह देखें आपके सामने शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज ऑलवेज। और ये जो सिलसिला चल एब्सोल्युटली इट्स व्हाट ऑल आई से इज़ ट्रू, यू नो दैट राइट? एंड आई ऑलवेज एडमायर बोथ ऑफ यू जिस तरह से, जिस हिम्मत के साथ आप इसको लेकर चलो। मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, एक दफ़ा इंटेस्टाइन जो आपका हुआ कैंसर और इसके अलावा भी एक फाइब्रॉइड था जिसके साथ आपने बहुत फाइट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली दफ़ा पता चला आयशा तो क्या क्या फीलिंग थी? बिकॉज ये चीज़ तो सुन के इंसान खौफजदा हो जाते हैं। और दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, इट्स लाइक 4 years बैक इन 2007 जब रिपोर्ट आई एंड द फाइब्रॉइड केम आउट टू बी मैलिग्नेंट, तो आई जस्ट कुडंट बिलीव कि इट्स माय रिपोर्ट। और वाकई जिस होता है ना कि जो आपके साथ होता है तो आपको पता चलता है, आप सुनते तो रहते हो ऑफ एंड ऑन, तो बट स्टिल मैंने उस रिपोर्ट को अपने साथ कभी एसोसिएट करना चाहा ही नहीं। मतलब आई नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ अ पेशेंट, मतलब ऑल्दो आई वॉज गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट और सारा कुछ, बट ये था कि मुझे एक बस समहाउ एक फेथ था कि जहाँ से ये बीमारी, मतलब बीमारी आई है तो शफा देने वाला भी अल्लाह ही है। एंड आई थिंक द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट अबाउट मी वॉज माई फेथ। और वो फेज जो था, यू नो, केप्ट यू गोइंग। अच्छा, इसी हवाले से खैर अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सी बातें, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बहुत डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं जो आज आयशा और शिराज हमारे साथ शेयर करेंगे। इस वक्त हिना की कॉल है जो कैंसर के हवाले से ही हमसे बात करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। जी हिना, क्या कहेंगी? कैसी हैं आप अरुण? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आज एक बहुत अहम टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात जिसकी आगही जो है वो हर औरत को, हर इंसान को होने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? अरुण, मैं ये कहूँगी कि अभी लास्ट डे, मतलब इतना रिसेंट, एक मेरी फ्रेंड है तो उनकी जो बड़ी सिस्टर है उनकी कैंसर से डेथ हुई है ना परसों। ओहो, आई एम सॉरी। उनको सिर्फ 3 महीने पहले पता लगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया के थ्रू कि अवेयरनेस, मतलब इस तरह हो कि हम लोग, या अल्लाह ना करे जिसको कैंसर है उसको कैसे अवेयर हो कि उसको कैंसर हो गया। मतलब ये कि जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो तब जाके रिपोर्ट में हमें पता लगता है कि 2 महीने पहले सडन डेथ भी हो जाती है कैंसर है पेशेंट को। राइट, बिल्कुल ठीक है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की। हाँ जी, आंसर भी दूंगी आपका। जी जी, आंसर दूंगी। जी प्लीज दीजिए दीजिए। हाँ जी, वो दाग हटाते हैं स्टेन मैग्नेट। चैलेंज है ना, आपका जवाब लिख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए और मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, वाकई सही बात है कि जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, अनलेस अनटिल आपको दर्द होती है कहीं या कोई ऐसी डिफरेंट सी फीलिंग होती है तभी आप जाते हैं और अपना चेकअप कराते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इवन उन छोटी छोटी दर्दों को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो आपके साथ यू गॉट लकी, दो दफा ऐसा हुआ। दैट्स द ओनली थिंग, यू गॉट लकी। आपने, मतलब हुआ होता ना कि औरत को जरा सी देर दर्द हुई तो मियां कहते हैं चलो नहीं अभी ठीक हो जाएगा, आपका क्या रिएक्शन था शिराज? इनिशियली तो जब पहले दफा इसको कैंसर अभी डायग्नोज नहीं हुआ था, डायग्नोज नहीं हुआ था तब तक तो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अच्छा कभी पेन होगी, कुछ हो गया, इस तरह की बात।
लेकिन वंस इट वॉज बींग डायग्नोज राइट और इट वॉज बींग ट्रीटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद उसका फिर रेगुलर फॉलोअप, हल्की सी भी इसको कोई मतलब जुकाम भी हुआ है तो उसमें डर घबरा जाते थे कि यार पता नहीं क्या हो गया, तो रेगुलर उसके चेकअप्स होते थे. लेकिन मैं ये कहूँगा कि खाली ये चीज़ चेकअप पे डिपेंड नहीं करती है. अब बिकॉज आई गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल, माय खाला 2 महीने पहले की बात है, शी वॉज माई एल्डेस्ट खाला जिस 59 और उनको 2 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. ठीक है. शी वॉज बींग ट्रीटेड और बिल्कुल ठीक हो गई थी, नॉर्मल रेगुलर फॉलोअप्स पे चल रही थी. वन डे शी गोज लाइक 2 months एंड कपल ऑफ डेज बैक और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जस्ट फॉर रेगुलर फॉलोअप, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं. अच्छा. पता चलता है कि जी यू हैव ब्लड कैंसर, यू हैव ल्यूकीमिया नाउ, जिसका पिछले ब्लड काउंट बिल्कुल लो हो गया था, पिछले वाले से कोई रिलेशन नहीं है पिछले कैंसर से उसका. और उन्होंने हमें बताया कि शी जस्ट हैज लाइक 6 to 8 weeks और बट विद इन 4 days उनकी वो डिटेरिरेट होती गई और 4th day शी पास्ड अवे. ओह माय गॉड. ब्रेन हैमरेज हुआ बिकॉज ब्लड काउंट बहुत लो चला गया हुआ था, प्लेटलेट्स बिल्कुल लो चले गए हुए थे. तो जब प्लेटलेट्स लो होते हैं तो कहीं से भी जिस्म के किसी हिस्से से भी इंसान ब्लीड करना शुरू कर सकता है. तो उनकी ब्लीडिंग ब्रेन में शुरू हुई. शी वेंट इनटू डीप कोमा. अच्छा. और उसके बाद शी एक्सपायर्ड लाइक 4 hours आफ्टर दैट. तो इसका मतलब ये हुआ कि कई केसेस में आप मतलब होता है कि आप बिल्कुल ऐसे होता है कि मतलब कई दफा कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, जिसमें जनरली लोगों का ये ख्याल है कि वेट लॉस या कांस्टेंट टेंपरेचर और समथिंग लाइक दैट इज एन इंडिकेशन फॉर कैंसर. बट आप वाकई ना कुछ डॉक्टर्स कर सकते हैं कुछ भी नहीं, वो बस फिर उसके बाद टाइम फ्रेम दे देते हैं कि हमारा ख्याल है कि बस ये चीज बहुत सारे कैंसर जिस तरह होते हैं जिनके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, उनके सिम्टम्स बाहर ही आते हैं जब वो लास्ट स्टेज पे होते हैं. राइट. तो यू हैव टू बी वेरी लकी, यू हैव टू बी वेरी लकी. और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो जो अवेयरनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगियों को अपनी जान को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. हम लोग ये कहते हैं कि जी अब हम चेकअप कराएं उसके अंदर पैसे लग जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों को उस वक्त थोड़े पैसे लगाना बेहतर है क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं. एग्जैक्टली. यू हैव एक्सपीरियंस उसके फिर मतलब लेटेस्ट स्टेज पे फिर उसका फायदा भी नहीं उन पैसों का. बिल्कुल. चीज़ को आप लाइट ऑफ अ ग्रांटेड ना लें. यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड मतलब राइट एट प्रॉपर टाइम. बिल्कुल. मतलब बिकॉज आजकल जो हमारी डाइट्स हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, मतलब एवरीथिंग, मैं तो ये कहूँगी कि बेसिकली दीज आर द रीजंस. बिकॉज जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं अभी तक कोई ऐसा कॉज समझ नहीं आ सका कि जी प्रिवेंट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए कि जिसमें सर्वाइकल कैंसर की तो सिर्फ एक वैक्सीनेशन आ गई है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. बट नॉट फॉर अदर कैंसर प्रोबेबली. हां वैसे ये मैं कहूंगा कि देयर इज अ वेरी फर्स्ट वैक्सीन जो किसी कैंसर के लिए बनाई गई. आई डोंट नो कि हाउ फार इट इज क्यूरेबल और प्रिवेंटेबल. सही. लेकिन जो भी खवातीन लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ व्हाट 9 till 45 तो वो अगर ये वैक्सीन लगा लेती हैं तो सर्वाइकल कैंसर जो है उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन हो जाती है. प्रिवेंशन हो जाए. इस हवाले से भी बात करेंगे. और क्योंकि आपने गो थ्रू किया है एक एक यू नो टाइम डिफरेंट स्टेप्स को, तो जाहिर बात है आपने पढ़ा भी बहुत होगा उसके हवाले से. ठीक है. तो यू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट दैट. उस हवाले से हम बात करेंगे. इसके सिम्टम्स के हवाले से अगर बहुत ज्यादा नहीं पता, मगर जब आपको पता चल जाता है तो हम किस तरह से पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं और पहले से आप हाउ कैन यू बी केयरफुल उस हवाले. गुड फॉर योर वाइफ आई मस्ट से. वी विल टॉक अबाउट दिस जी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है. क्योंकि अगर अल्लाह ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है तो इसको सिर्फ हंसी मजाक से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है और सही बातें सही लोगों तक और ख़ास तौर पर अपनी सहेलियों और उनके घर वालों तक पहुँचाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. तो इसके हवाले से बात होगी इस ब्रेक के बाद.